अमित को कमान इसलिए भी सौंपी गई है क्योंकि अगर जनता के बीच जाना है, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें जनता के बीच जाना है, तो इमेज भी सुधारनी होगी। और दिल्ली की नई सीएम ऐसे में अब आतिशी सिंह होने वाली है। आपको हम बता चुके हैं कि दावा उनकी तरफ से पेश कर दिया गया है, आप विधायक दल की नेता चुनी गई है। आतिशी केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा था। आपको ये भी बता दें कि 15 अगस्त को जब झंडा फहराने की बात आई थी, तब भी केजरीवाल ने जेल से उपराज्यपाल को आतिशी का नाम ही सजेस्ट किया था। यानी एक उनकी तरफ से इंडिकेशन है कि भरोसा हमेशा आतिशी पर रहा है। आप विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, कहीं कोई विरोध यहां नहीं हुआ। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई और अब आतिशी नए तौर पर यहां जिम्मेदारी संभालने वाली है। वहीं जो आप नेता हैं वो इससे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो मौका दिया गया है, ये केजरीवाल जब तक नहीं आते हैं वापस तब तक जिम्मेदारी संभालेंगी। गोपाल राय का ये कहना है कि बहुत विषम परिस्थितियां हैं, इन विषम परिस्थितियों में कमान सौंप रहे हैं। सुनिए जरा गोपाल राय। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है। तो कुर्सी की कसौटी पर कितनी खरी उतरने वाली हैं आतिशी सिंह, ये सवाल बना हुआ है। इस बीच आतिशी को भी पता है कि उनके पास सिर्फ 5 महीने का वक्त है और ऐसे में उनका पहला रिएक्शन क्या आता है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देती हूँ, गुरु की पदवी दे रही अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी देने और भरोसा करने के लिए शुक्रिया। पहली बार की विधायक को सीएम बनाया है आतिशी, ये कह रही क्योंकि वो विधायक थी और अब मुख्यमंत्री बन रही है, तो इसका जिक्र वो कर रही है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का उन्हें दुख है, ये भी वो कह रही हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से लोग दुखी हैं और मैं अगले चुनाव तक ही दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। वो जानती हैं, आतिशी सिंह ये जानती हैं कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है, चुनाव जीते तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। ये बात भी आतिशी के अलावा और भी नेता दोहरा रहे हैं और आतिशी को क्योंकि कमान मिली है तो वो भी दोहरा रही हैं। नई सीएम आतिशी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है, बीजेपी ने केजरीवाल को 2 साल परेशान किया। आतिशी बड़े आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही हैं, ईमानदार आदमी पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी और सीबीआई लगाई गई, केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेजा गया। ये बात पहले से ही जब केस चल रहा था उस दौरान तिहाड़ जाना पड़ा, तमाम ऐसे मौके आए जब आतिशी सिंह ये बार बार कहती थी, आज एक बार फिर उन्होंने जिम्मेदारी मिलने के बाद ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया है, सुप्रीम कोर्ट का भी यहां जिक्र करती दिखाई दी। लेकिन देखिए आतिशी अब क्योंकि बन चुकी हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्हें दारोमदार दिया गया, बस शपथ ग्रहण बचा है, उसके बाद ऑफिशियली वो सब कुछ संभालेंगी, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है और चुनौती भी दिख रही है कि वो जो 5 महीने में जो डेंट लगाया, अभी तक जो इमेज खराब हुई है, वो इमेज बिल्डिंग वापस कैसे करें। सुनिए जरा आतिशी सिंह को। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बनी, मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ईडी को सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज केंद्र सरकार की एजेंसीज एक किंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। तो आखिर इतने चेहरे थे, सौरभ भारद्वाज भी थे, कैलाश गहलोत भी थे, बहुत से चेहरे थे, आखिर आतिशी को ही क्यों चुना गया, उन्हें ही क्यों
ये जिम्मेदारी दी गई है, इसके क्या मायने हैं? जरा वो डिटेल अब आपके सामने रख रहे हैं। केजरीवाल और सिसोदिया की भरोसेमंद मानी जाती हैं आतिशी सिंह। केजरीवाल के जाने के बाद सरकार उन्होंने संभाली, और सिर्फ सत्ता ही नहीं संभाली बल्कि विपक्ष के आरोपों के मजबूती से जवाब दिए। देखिए 14-14 विभाग उस वक्त आतिशी संभाल रही थी अकेले। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ही दो फेसेस बचे थे जिनका नाम नहीं आया था घोटाले में, और वो पूरी सरकार को संभाल रहे थे, तो बहुत भरोसा उन पर किया गया। दिल्ली के अधिकारियों के साथ उनका काफी अच्छा तालमेल है, ऐसा कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में उनकी बातों को सुना जाता है, और जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, किसी भी सरकार का कोई भी एक्शन प्लान होता है और उसे इंप्लीमेंट करना होता है, तो उसमें अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और अच्छा तालमेल होने पर अच्छा इंप्लीमेंटेशन, जल्दी इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। तो इस पर भी फोकस है, पार्टी को नई पहचान देने की भी ये एक तरह की कोशिश है, क्योंकि अभी तक पिछले 4.5 साल में जो भी हुआ हो, लेकिन डेंट बहुत तगड़ा लगा, झटका बहुत तगड़ा लगा शराब घोटाले के बाद। तो ऐसे में अब नई पहचान हो जाए और सारी जो पिछली चीजें, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अब 5 महीने ही दूर हैं, और अभी 14 मंत्रालय की जिम्मेदारी आतिशी संभाल रही हैं, भ्रष्टाचार का उन पर कोई आरोप ना होना एक बहुत बड़ा एड ऑन है, एक बहुत बड़ा कहें कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएम पद छोड़ने पर बगावत नहीं करेंगी, इसका भी भरोसा जाहिर किया है अरविंद केजरीवाल ने। आतिशी पार्टी का मजबूत महिला चेहरा रही है, और ऐसा महिला चेहरा रही है जो खुलकर जवाब देती हैं, खुलकर बात रखती हैं, मुखर होकर कहती हैं। आपकी जो महिला वोट बैंक है उस पर भी नजर है, क्योंकि आपको बताएं कि दिल्ली में 67.30 लाख महिला वोटर्स हैं, और ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होने से ये फायदा मिल सकता है कि झुकाव और ज्यादा इस तरह से आतिशी सिंह की तरफ रहेगा, तो चुनावी नतीजों में भी वो तब्दील हो सकता है। इसको सोचते हुए रणनीतिगत तरीके से ये फैसला लिया गया है, और लगातार इस खबर पर क्योंकि हमारे सहयोगी बने हुए ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, चलिए उनका जरा रुक कर लेते हैं, जरा समझते हैं कि अभी क्या वस्तुस्थिति है, क्योंकि दावा तो पेश हो चुका है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, गणेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका जरा ये बताइए, महिला मुख्यमंत्री, महिला होने के नाते मुख्यमंत्री बनना उनका किस तरह से चुनावी रुख तो बदलेगा ही, फायदा देगा आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, देखिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटें और याद करें कि स्वाति मालीवाल ने किस तरीके से छेड़खाड़ का आरोप लगाया था, मारपीट का आरोप लगाया था, उसके बाद लगातार जो है स्वाति मालीवाल हो गई, या फिर बांसुरी स्वराज हो गई, या फिर स्मृति ईरानी को हम देखें, तो आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रही है, और ऐसी में इनको काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो ये कदम उठाया गया, ये देखा जा रहा है कि महिला चेहरा यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर रख दिया है। हालांकि विपक्षी खेमे की अगर बात करें तो उन्हें डमी सीएम कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इससे भी मुख्यमंत्री का चेहरा है, पीछे से सरकारी योजनाएं कौन सी लानी है, किस तरीके से दिल्ली की सरकार को चलाना है, ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल ही तय करेंगे। वहीं अगर स्वाति मालीवाल की हम बात करें तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि दिल्ली के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का दिन है, काला दिन है, क्योंकि यहां मतलब वो महिला मालीवाल वाला डेंट था, उससे भी उभरना है, और इसीलिए महिला सीएम का ये कार्ड खेला गया। हमारे साथ गणेश भी लगातार जुड़े हुए, लगातार इस खबर को कवर करें। गणेश जरा ये बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल अब फ्री हो गए, मुख्यमंत्री की ड्यूटी से फ्री हो चुके हैं, और अब वो जोर देंगे उन राज्यों में जहां कमी है, हरियाणा चुनाव भी है, नेशनल पार्टी तो बन चुकी है, लेकिन बढ़त कैसे मिले, मजबूती कैसे मिले, इस पर भी फोकस होगा, और दिल्ली भी तो साधना है। देखिए जिस तरीके से जो मैं आपका जहाँ तक सवाल समझ पाया हूँ, क्योंकि आवाज़ लगातार कट रही थी, जहाँ तक अब दिल्ली के मुख्य जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे, तो लगातार जिस तरीके से अब उनके पास चुनौती इस तरीके से होगी, क्योंकि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर भी उनकी पार्टी गई हुई है, और दिल्ली में आने वाले दिनों में लगभग 4 से 5 महीने का समय है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को टैकल आउट करते हैं, और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है अगले 2 दिनों के अंदर दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो हरियाणा के अंदर निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे, और सियासी जो समीकरण देखने को मिलेगी, सड़क से लेकर पूरी तरीके से संग्राम देखने को मिलेगा, लगातार जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बताते हुए दिखेंगे कि किन कारणों की वजह से मुझे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, किस वजह से इन लोगों ने मुझे काम करने से रोका, और लगातार मैं किस तरीके से काम कर रहा था। हमने जब पिछले दिनों देखा था, जब हरियाणा के अंदर वो गए थे जनसभा करने के लिए, तो उन्होंने हरियाणा में लोगों से कहा कि मैं हरियाणा का ही बेटा हूं, मैं आपने देखा किस तरीके से मैंने दिल्ली के अंदर स्कूल अस्पताल तमाम इन जगहों पर काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। अब एक और बात अभी गौर करिए, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का पद आतिशी को सौंपा है, तो बजट के अंदर इन्होंने महिलाओं को सम्मान राशि देने की घोषणा की थी। अब जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से उस चीज को लेकर वो इंप्लीमेंट करती हैं। पहले से आम आदमी पार्टी ने बड़े जो चीज होती है महिलाओं को लेकर, बस में फ्री कर रखा है, बिजली पानी फ्री कर रखा है, तो अगर इन चीज महिला को जो पैसे देने की बात कही थी अगर वो इंप्लीमेंट करते हैं, तो जो महिलाओं का वोट बैंक होता है, जो साधने की बात कही जा रही है,
है, तो एक तरीके से वो वोट बैंक इनका और मजबूत होगा। और लगातार जिस तरीके से महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष हो रहे थे, तो इसी गणेश आप बता रहे हैं महिला वोट बैंक पर भी नजर है और इसी को लेकर ये रणनीति बनाई गई है, कितनी कारगर साबित होगी ये चुनावों के वक्त पता चलेगा। बहुत शुक्रिया गणेश और प्रियंका आपका जुड़ने के लिए।